बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर कोई भी बात बिना विनय कटियार के रोल के पूरा नहीं किया जा सकता है। विनय कटियार बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय बजरंग दल का अध्यक्ष था। विनय कटियार कुछ पक्ष के साथ हिंदुत्व का समर्थक के रूप में जाना जाता है। विनय कटियार के उनके कुछ सहयोगी अयोध्या आंदोलन के समय मुख्य नायक के तौर पर बुलाते हैं। विनय कटियार अयोध्या में उस समय थे, इसका पुख्ता सबूत वो खुद देते हैं। विनय कटियार रिपोर्टर को बताते हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी लंबे समय तक वहां धार्मिक गतिविधियां थी। केवल दो रात के बाद जब पुलिस ने विनय कटियार को देश में हो रहे दंगों के बारे में बताया था, जो कि उसी का परिणाम था। पूजा होने के बाद भी दिन भर काम चलता रहा, एक रात और बीत गई। इसके बाद पुलिस ने कहा कि जाइए, स्थिति बड़ी खराब हो रही, देश में दंगे शुरू हो गए थे। कितना समय सर रहे होंगे उस समय? यार हम तो 24 घंटे 48 घंटे पूरा आगे पीछे हमें तो रहे ना वहीं, जब तक गिरफ्तार नहीं हो गए। विनय कटियार ने अपने योगदान के बारे में बताने के बाद यह खुलासा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव और तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहान का भी इस घटना में अहम रोल था। विनय कटियार के अनुसार बाबरी मस्जिद को गिराने में इनकी मौन स्वीकृति थी। महत्वपूर्ण भूमिका नरसिंह राव की थी, गृह मंत्री चौहान की थी, दोनों को अपने ये गिर गया। दुनिया भर को सबको बताते रहे कि नरसिंह राव सो रहे हैं, सुख तो ना रात। शंकर राव चौहान ने मुझसे तो स्वयं कहा था जहाज में जी। जब अयोध्या से आए थे जी, क्या कहा था? उसने कहा था भैया जल्दी बनाओ, आपकी सरकार है जी, इसको सब ध्वस्त करो, बनाओ। अलग अलग है ये, कब की बात होगी सर? और ढांचा गिरने के 6 महीने को देता हूँ। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी।